हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं बिल्कुल बाजार में मिलने वाले खस्ता मल्टी लेयर नमक पारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ वर्ल्ड बाय रिंकी। तो मैं हूँ रिंकी और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 कप मैदा। इसमें थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, थोड़ी सी क्रश करके इस तरह से डाल लेंगे और कस्तूरी मेथी को भी इसी तरह से क्रश करके ऐड कर लेंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा ही अच्छा लगता है, और रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से, जो हमने जो भी ऑयल डाला है उसको अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए इस तरह से, ताकि जब आप उसकी मुट्ठी बनाएं तो इस तरह से कम्बाइंड हो सके। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा डो लगा लेंगे। और हमें पूड़ी जितना, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से टाइट नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है, बट कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करेगा। तो हमने इसको अच्छे से ठेसना है, इतना ठेसना है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब ये ठेस चुका है अच्छे से, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी। तो 5 मिनट बाद इसको हम दोबारा एक बार अच्छे से ठेस लेंगे, और ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो अच्छे से ठेसने के बाद अब हम इसके चलते हैं एक हम अपना घोल बनाते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है। घी में हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, इसको साइड में रख लेते हैं। अब चलिए अपनी लोइयाँ तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहले से लोई निकाल ली है और इसको अच्छे से राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद चलिए इसको हम अच्छे से बेलेंगे, लंबा जिस तरह से आप बेलना चाहें उस तरह से बेल लीजिए। गोल ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए इसकी परत कितनी पतली करी है मैंने, और इसके ऊपर हमने जो वो अभी घोल तैयार किया था घी और मैदे का, वो स्प्रेड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो गाइस देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे। तो गाइस ये वाला प्रोसेसर आपको ज़रूर फॉलो करना है अगर आपको मल्टी लेयर खस्ता नमक पारे बनाने हैं, तो क्योंकि ये वाले टिप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे, अब हमें इसको हथेलियों की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। इस तरह से हम सबको प्रेस करेंगे। तो ये प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप इसको बेलेंगे तो ये कहीं से भी खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, और आपको एक प्रॉपर शेप मिलेगा। तो इस तरह से हम सबको इसी तरह से प्रेस कर लेते हैं हथेलियों की मदद से। तो देखिए यहाँ पे सारे कर लिए, अब इसको आती है बेलने की बारी। तो यहाँ पे हम इसको छोटे छोटे पतले पतले गोल से इसको अच्छे से बेल लेंगे। देखिए कहीं पे भी मैंने इसको मैदा नहीं लगाया है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर सकते हैं, पर इतना भी ज़्यादा नहीं, पर ये अच्छे से बेल जाता है। और इसकी लेयर देखिए बहुत ही पतली रखी है। इसके बाद इसके ऊपर वही वाला घी और मैदे का घोल ऐड करेंगे, और अच्छे से ऐड करने के बाद इसको हाफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फिर थोड़ा सा फिर से घी और मैदे वाला घोल लगाएंगे एक साइड पे, और फिर से इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये वाला प्रोसीजर है, इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा बेल भी सकते हैं, एक बार थड़क के जब हम इसे तेल में डालेंगे तो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे फोक की हेल्प लेंगे और इसको इसमें होल कर देंगे, ताकि इसमें 1% चांसेस भी नहीं होगा तेल में डालने के बाद खुलने के। तो देखिए तेल बिल्कुल आपको हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, आपको इतना गरम करना है कि बस जाए और ये अच्छे से सिकने लगे। और इसको लो टू मीडियम, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, और अच्छे से कुक करना है तब तक कि जब ये तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हाई कर सकते हैं ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तो गाइस ये वाला प्रोसेस ज़रूर फॉलो करिए। इसको तेज गरम तेल में नहीं डालिए, क्योंकि ये तो इसका कलर तो आ जाएगा बट ये पकेंगे नहीं। तो देखिए ये वाला कलर में मैंने इसको निकाल लिया था, और निकालने के बाद इसका कलर और थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए कितनी खस्ता ही ये नमक पारे बने हैं। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, जिसको हम ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए गाइस ये एक एक आपकी ओपन हो रही है, तो मींस ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो बने रहिए।